अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हमारा लॉजिक है वो है जी आर्मस्ट्रांग नंबर का, जिसको हम नार्सिसिस्टिक नंबर भी बोलते हैं। एक ऐसा नंबर जिसके डिजिट्स को अगर हम ऐड करें तो हमें वही नंबर जो है वो हासिल हो। जैसे यहाँ पे मिसाल 370 की दे रखी है, तो हम 370 का 3 का क्यूब निकालें और फिर 7 का क्यूब निकालें, फिर उन क्यूब्स को अगर हम ऐड करें तो हमें वही 370 हासिल होगा। लॉजिक वही कल वाले प्रोग्राम की मिलती जुलती है, पैलिंड्रोम से मिलती जुलती। हम क्या करेंगे, एक नंबर लेंगे, उसकी दहाइयाँ तोड़ेंगे और उसके डिजिट्स को क्यूब करने के बाद हम उसको ऐड करेंगे। अब मैक्सिमम काम वही वाला है, हमने अपने नंबर को गेट करने के बाद कॉपी वाले वेरिएबल में सेव किया, क्योंकि नंबर दहाइयाँ टूटने के बाद हमारा ओरिजिनल नहीं रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारी लूप भी वही है कल की तरह, जब हमारे कोशेंट में एनओ में ज़ीरो नहीं आ जाता, हमारी लूप जो वो परफॉर्म होती रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर पहले ही हमें डिजिट हासिल हो जाएगा 10 से एक दिहाई तोड़ने के बाद। तो जो मैंने मिसाल दे रखी 153 की, अगर हम 153 10 से करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 3। तो 3 का रिमाइंडर हम डिजिट जो है हम 3 के 3 जो है वो हम डिजिट के अंदर हासिल कर लेंगे। और एन ओ के बाद जब ये डिवाइड होगा, क्वेश्चन देगा ये, इसको मिलेगा 15 एन ओ को, ठीक है जी। अब जो यहाँ पर आपको एक और लॉजिक समझाई गई है कि अगर आपने सम ऑफ डिजिट करना हो तो आप अपने प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करोगे, आप सम इज इक्वल टू 0 का एक वेरिएबल बनाओगे और उसी डिजिट वाले वेरिएबल को इस फार्मूले के तहत कुछ इस तरह से ऐड कर लोगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस डिजिट, और फिर उस सम वाले वेरिएबल को डिस्प्ले करा दोगे। अच्छा जी, आर्मस्ट्रांग नंबर पे आ जाते हैं। अब जो डिजिट हमें हासिल हुआ है, अब इस फार्मूले के तहत, क्योंकि मैथ का रूल है ब्रैकेट पहले हल होगी, हमें 3 हासिल हुआ, 3 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 27 होगा। 27 को फिर हम आर नंबर जो कि इस वक्त 0 है तो उसके साथ ऐड करेंगे, तो हम आर नंबर को 27 हासिल होगा। अगली रिपीटेशन के ऊपर जो है, जब ये दोबारा लूप चलेगी तो हमें इस बार डिजिट में हासिल हो जाएगा 5, ठीक है। एन ओ के अंदर हासिल हो जाएगा हमें 1, और फिर 5 को दोबारा इस फार्मूले के अंदर अप्लाई करेंगे तो 5 का इस बार क्यूब बनेगा 125, जो कि जमा होगा 27 के साथ, क्योंकि आर नंबर इस बार पहले रिपीटेशन के बाद 27 हो चुका होगा और वो दोबारा के साथ ऐड होगा। फिर इस तरह ही हमारी लूप जब परफॉर्म होती रहेगी, और फिर जब हमारा नंबर जो है वो ए आर नंबर कॉपी नंबर के साथ, जो हमने अपना ओरिजिनल नंबर यहाँ पे सेव करवाया था कॉपी वाले वेरिएबल के अंदर, अगर वो इसके बराबर आ रहा है तो नंबर आर्मस्ट्रांग के बनना नहीं है, ठीक है जी।